दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव अपने अंतिम दौर पर पहुंच गए और आज चुनाव प्रचार भी समाप्त हो गया। अब शनिवार को वोट पड़ेंगे, मंगलवार को चुनाव परिणाम आएंगे। तो दोस्तों, हमने महीने भर आपके सामने अपने विचार रखे, आकलन रखे, पूरे हरियाणा का और जो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, हमारा प्रयास रहा कि हमारे जो प्रतिनिधि थे पूरे हरियाणा में, उनसे मिली जानकारी के अनुसार हम समय समय पर आपको अपना आकलन देते रहे कि हरियाणा में इस बार कौन सत्ता में लौट रहा है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी और क्या हालात रहने वाले हैं, क्या सरकार स्थायी बनेगी या अल्पमत की भी रह सकती है कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले। तो इन सब मुद्दों पर हम अंतिम दौर में आपको बताना चाहते हैं कि हरियाणा की जो 10 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र हैं और एक एक का आकलन हम करेंगे। और आज इस आकलन के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में देवेंद्र सुरजेवाला जी रोजाना हमारे साथ बैठते हैं, स्थाई हमारे सहयोगी हैं, वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं हरियाणा सरकार में, गजेटेड ऑफिसर, और हरियाणा की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। तो आइए आज फिर हम बात करते हैं सुरजेवाला जी से कि आज सुरजेवाला जी, हमारा जो मुद्दा ये है जी कि जो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं जी, यदि हम लोकसभा वाइज जो है मतलब उनका आकलन करें, ठीक है, कि किस लोकसभा क्षेत्र में जितनी सीटें हैं होती हैं, उनमें से कांग्रेस कितने पे आगे दिख रही है, भाजपा कहाँ खड़ी दिखाई दे रही है, इन्हें लो बसपा गठबंधन कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है, और जो कुछ मजबूत आजाद उम्मीदवार भी हैं, चाहे वो कांग्रेस के विद्रोही उम्मीदवार के रूप में हो या भाजपा के विद्रोही उम्मीदवार के रूप में खड़े हों, उनको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो हम इसी कड़ी में आज ये भी कह सकते हैं कि अंतिम तौर पर हम हरियाणा की 90 विधानसभाओं का आकलन आपके सामने पेश करना जा रहे हैं कि प्रत्येक लोकसभा वाइज किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का मतलब कितनी सीटें मिल सकती हैं, और हमारे हिसाब से जो आकलन है जी, हम इस आकलन को कोई स्थायी नहीं कह सकते, इसमें माइनस प्लस कितना भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारा जो जितनी जानकारी है जी, जितने हमारे पूरे हरियाणा के पत्रकारों से, मित्रों से और राजनीतिक पंडितों के माध्यम से जो जानकारियां मिली हैं, उसके आधार पर ही हम कह रहे हैं कि हमारा जो आकलन है इस प्रकार है। तो देखिए, आपने मैं ये जो अंबाला से हम शुरू करना चाहेंगे जी, जी आपने कहा कि अब चुनाव का अंतिम दौर पे हम पहुंच चुके हैं, आज शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा जी। उससे पहले का जो अभी तक का रुझान जो हमारे सामने है वो हम दर्शकों को अपना बताना चाहेंगे जी। 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, प्रत्येक लोकसभा में 9 सीटें आती हैं विधानसभा की जी। अंबाला से हम शुरू करते हैं जी। इन अंबाला में 9 सीट में से कांग्रेस जो है जी, कुल मिलाकर के इस वक्त 7 सीट के ऊपर बढ़त बनाए हुए हैं। अच्छा, मतलब 9 में से 7 भाजपा और कांग्रेस के जीतने के आसार हैं। बिल्कुल, इस वक्त तो बहुत बड़ी बढ़त जी। और आपने कहा कि ये बहुत बड़ी, अभी पिछले दिनों योगेंद्र यादव बहुत वरिष्ठ वो है, समाज विश्लेषक है और
उनका हरियाणा की राजनीति के जानकार हैं, उनको बहुत गूढ़ राजनीति का उनको ज्ञान है और दार्शनिक व्यक्तित्व के मालिक हैं वो। उनका एक बयान आया था कि हरियाणा के अंदर हवा चल रही है कांग्रेस के पक्ष में जी। फिर उन्होंने कहा आंधी भी हो सकती है, अंत में कहा ये सुनामी लहर भी हो सकती है। तो इस वक्त हरियाणा में एक बदलाव का जो है ना, एक परिवर्तन का माहौल बना हुआ है। 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार के प्रति, उसका रुख, उसका रुझान, उसका जो है नतीजा, वो आज सत्तारूढ़ दल के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है। उसी लहर के मुताबिक पार्लियामेंट के जो चुनाव अभी पिछले दिनों होके निकले, उसमें अम्बाला सीट लोकसभा की जो है ना कांग्रेस के खाते में गई। तो आज उन्हीं 9 क्षेत्र में पार्लियामेंट के जो है विधानसभा के 9 क्षेत्र, उनमें 7 सीट के ऊपर कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है। 9 में से 7 दो जो है वो भाजपा के पक्ष में जाती दिखाई दे रही जी। ये था अम्बाला जी। इसके बाद आ जाता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र भी पंजाब के साथ लगता इलाका है। किसान आंदोलन में वहाँ के जो थे स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पीपली में लाठी भी बरसाई गई और कई तरह के मामले सामने आए। तो वहाँ भी कमोबेश हवा जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है। जबकि कहा यह जाता रहा है कि जीटी रोड बेल्ट जो है, हाँ, किसी वक्त में ये कहा गया था कि अभी जीटी रोड बेल्ट जो है और आपका फरीदाबाद और साउथ हरियाणा जिसको कहते हैं महेंद्रगढ़ और गुड़गांव का इलाका, मेवात नहीं था उसमें, ये भाजपा के पक्ष में जी रहा है, गढ़ रहे पहले रहा है। तो जहाँ तक है हम बात कर रहे थे कुरुक्षेत्र की, वहाँ भी कमोबेश वही माहौल है। कुरुक्षेत्र में 7 सीट कांग्रेस आगे है जी, 9 में से 1 पर भाजपा और 1 निर्दलीय के हक में जा रही है। निर्दलीय मजबूत है, हाँ वो आगे है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं करनाल जी। करनाल जो है वो सीएम सिटी का टैग लिए हुए है एक शहर। वहाँ पे पहले मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ से विधायक रहे, बाद में जो आज मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वहीं से उपचुनाव हुआ और उसमें वो कामयाब हुए नायब सैनी जी। जी तो करनाल को एक सीएम सिटी का टैग मिला हुआ है जी। तो 9 विधानसभा में से करनाल में इस वक्त 5 सीट के ऊपर कांग्रेस बढ़त लिए हुए है। अच्छा, और 3 सीट के ऊपर जो है भाजपा आगे है और 1 पर निर्दलीय का है। मतलब यहाँ थोड़ा सा था, हाँ, कांग्रेस का कम हुआ है, बीजेपी कम तो नहीं हुआ है, बीजेपी थोड़ी प्लस में है, प्लस में है। इसके बाद आ जाता है कुरुक्षेत्र जी। तो कुरुक्षेत्र के बाद हम करनाल, और करनाल के बाद फिर हम आ जाते हैं सोनीपत। सोनीपत, सोनीपत का बताएं। सोनीपत जो है वो पिछले जो रोहतक जिसको पुराना जिला कहते हैं उसका एक पार्ट होता रहा। सोनीपत, रोहतक, झज्जर का जो इलाका है, ये इलाका भूपेंद्र हुड्डा जी के प्रभाव के तहत है। तो यहाँ पर भी 9 जो सीट है उनमें से सोनीपत में से 6 सीट के ऊपर कांग्रेस आगे है। अच्छा, 2 पर भाजपा है, मतलब 2/3 सीटें जीत रही है यहाँ पर, हाँ, कांग्रेस जी, और 1 सीट जीतती लग रही है, नजर हाँ। आ रहा है कि जो बढ़त है उनकी आज के दिन। बाकी तो चुनाव तो अभी 5 तारीख को होना है जी, उसमें उलट पलट भी हो सकता है। 1 सीट पे जो है ना निर्दलीय इसमें भी आगे है। अच्छा, अब उसके बाद रोहतक, वही जैसा मैंने अभी जिक्र किया, वो भी सीएम सिटी है, वो भूपेंद्र हुड्डा जी के प्रभाव का इलाका है। 9 में से 8 सीट हो कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। वो एक कौन सी सीट है जो एक कोसली हो सकता है? अच्छा, तो यहाँ तो क्लीन स्वीप बात बता रहे हैं लगभग, या कोसली हो सकता है, थोड़ा बहुत मुकाबला है तो भादरगढ़ में है। अच्छा,
बाकी कांग्रेस के पक्ष में है वहां पे। अब इसके बाद ये तो बहुत बड़ी खबर है जी। इसके बाद आ जाता है हिसार जी। हिसार में वही 9 में से 9 में से 6 सीट कांग्रेस के पक्ष में है, एक ही 3 का भी बता दी, एक निर्दलीय के को जा रही है, निर्दलीय वो हो सकती हैं। हाँ, हिसार की सीट जो है वो निर्दलीय के पक्ष में जाती नजर आ रही है। 2 सीट भाजपा को जा सकती है, 2 सीट भाजपा को मिल सकती है जी। ये हिसार का रहा। अब इसके साथ आ जाता है सिरसा जी। सिरसा में 9 सीट है, 6 सीट पे कांग्रेस बढ़त लिए हुए है। भाजपा यहाँ 0 खाता भी शायद ना खुले, मतलब भाजपा की ये स्थिति वहां पर हो गई है। सिरसा और सिरसा से तो इन्होंने अपना विड्रॉ मतलब उम्मीदवारी विड्रॉ कर लिया था। सिरसा विधानसभा से हाँ वही पिछले दिनों देखिए आपने रोहतक का जिक्र किया और अब सिरसा की बात चल रही है। सिरसा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जी जहाँ पर पीछे लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा के क्षेत्र में 9 सीगामेंट जो थे वहाँ सभी पे कांग्रेस ने बढ़त ली थी। कुमारी सैलजा ने 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आते थे सभी के अंदर उन्होंने बढ़त ली। अच्छा, यानी एक तरीके से सिरसा गढ़ बन गया कांग्रेस का। सिरसा और रोहतक का जो चुनाव परिणाम जो लोकसभा में आए वो निसंदेह बहुत कांग्रेस के पक्ष में बहुत ज्यादा उनके पक्ष में रहे, तो वहां पर लगता है कि भाजपा तो शायद खाता ही ना खोल पाए। और कांडा 3 सीट जो है वो अदर्स में बता दीजिए, उस पर भी इनेलो का है वहाँ, चौहान प्रकाश चौटाला देवीलाल जी का परिवार का वहाँ प्रभाव रहा है, तो 3 सीट इनेलो के बढ़त लिए हुए हैं इस वक्त। नहीं, इनेलो ही उसमें कांडा भी शामिल है। कांडा तो उनका वो दे रहा है, 7 दिए हुए हैं। अच्छा, इनेलो के 7 हुए हैं, दोनों का पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा रानिया के अंदर अभय चौटाला के पुत्र हैं अर्जुन, जो चुनाव लड़ रहे हैं इनेलो से, उनके पक्ष में वो कन्वेंशन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। तो 3 सीट जो है इनेलो और उसके समर्थक के जो है उसमें, और 6 सीट कांग्रेस को जा रही है जी सिरसा। अब आ जाता है भिवानी। भिवानी पहुंच भिवानी में 5 भिवानी भी सीएम सिटी है, चौधरी बंसीलाल कई बार हाँ पुराना था, आज तो नहीं है, आज तो करनाल को ही मानेंगे हम जी। भिवानी जो है 5 लोग विधानसभा की सीट भिवानी जिला में आती है और 4 महेंद्रगढ़ जी अहिरवाल में जी, तो 9 सीट के अंदर कांग्रेस को 5 सीट पे बढ़त है और 4 सीट पे भाजपा को है। अच्छा, यहाँ भाजपा थोड़ा अच्छा कर थोड़ा रही है। सा और जिलों के अहिरवाल के अंदर थोड़ा सा उसका बेटर है। अच्छा, इसके पश्चात आता है गुड़गांव। गुड़गांव में भी भाजपा का प्रदर्शन ठीक ठाक है। ठीक ठाक है जी। नहीं नहीं, जो वहाँ लोकसभा भाजपा जीती जी, तो इस दौर में जो जितना टाइम गुजरा है 4 जून के बाद जी, तो क्या कांग्रेस ने कोई प्रोग्रेस की है, बढ़त ली है, कैसा? नेचुरल है, देखिए उस वक्त तो राष्ट्रीय मुद्दे थे और अब विधानसभा में स्थानीय मुद्दे हैं जी, और स्थानीय मुद्दे जो है उनको देख करके जो है ना मतदाता अपना निर्णय लेता है, तो उसके लिहाज से जो है सत्तारूढ़ पक्ष के पक्ष में नहीं जा रहा ये। लेकिन माहौल वहाँ कुछ खटपट सी भी चल रही है, राव इंद्रजीत सिंह के कुछ बयान, ये तो चलता रहता है राजनीति में, ये तो कांग्रेस में भी चलेगा, सभी दलों में होता है। लेकिन हमने कहा कि भाई गुड़गांव की स्थिति ये है कि 9 में से 5 सीट पे कांग्रेस की बढ़त है, 4 सीट जो है भाजपा के खाते में जा रही है जी, क्योंकि गुड़गांव में मेवात की 3 सीटें आती हैं। आप ये भी कहेंगे कि गुड़गांव में एक तरफ कह रहे हैं कि उनका ठीक ठाक है, दूसरी तरफ उनको सीट भी इतनी नहीं मिल रही, क्योंकि 3 सीट जो गुड़गांव लोकसभा के अंदर आती है मेवात की, 3 सीट के ऊपर कांग्रेस की बढ़त है। अच्छा अच्छा,
ये भी एक बड़ा कारण है, ये एक बड़ा कारण है। अंत में रह जाता है हमारा फरीदाबाद जी, 9 सीट है, 6 सीट पे कांग्रेस आगे है, बिल्कुल 3 सीट पे भाजपा का है। वो कौन सी है भाजपा जिनमें आगे दिखाई दे रही है? तिगांव है और उसके साथ फरीदाबाद ओल्ड जिसको कहते हैं और बल्लभगढ़, ये इन तीन सीट के ऊपर भाजपा शहरी सीट है ये, मतलब यहाँ पर आपको भाजपा की बढ़त नजर आ रही है, यहाँ पे भाजपा की बढ़त नजर आती है, 6 सीट पे कांग्रेस अपनी लीड लिए हुए है जी। तो कुल मिलाकर हम ये हमारे मतलब 10 लोकसभा क्षेत्र हो गए, हाँ। यानी ये 90 विधानसभा क्षेत्रों का हो गया। तो ये जो आपने निचोड़ आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, हाँ। अगर आप इनके टोटल करें क्षेत्र वाइज जो हमने चर्चा की है जी, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ, वो बताइए। उसमें कांग्रेस 62 सीट के ऊपर लीड करती नजर आ रही है, 2/3 से भी ज्यादा जी, और भाजपा जो है 22 सीट के ऊपर, और निर्दलीय मतलब जो है, आपका मतलब है पिछली बार भाजपा को 40 सीटें मिली थी तो वो मतलब खिसक कर गिरते 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 22 पे पहुंच गई। मैंने बताया ना कि ये स्थानीय मुद्दे हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दों की बात थी तब, और इंडिपेंडेंट्स और दूसरे वो 6 सीट के ऊपर नजर आ रहे हैं। छह आप आजाद उम्मीदवारों की बढ़त बता रहे हैं 6 सीटों पर, अदर जिसमें इनेलो भी आ गया, इंडिपेंडेंट्स भी आ गए, छे नहीं आप छे, हाँ अच्छा अच्छा अदर्स अन्य, तो 62 और 22 84 हो गया, 6 अन्य। अब इसमें 5% इधर उधर प्लस माइनस होने की पूरी संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि आखिरी फैसला तो वोटर्स का, उनका रुझान किस तरफ कितना जाता है। बिल्कुल, ये आज का है, आज के बाद 2 दिन और है, आज चुनाव थम जाएगा, प्रचार थम जाएगा, लेकिन डोर टू डोर कन्वेंसिंग, कई मतदाता है जो अंत में अपना निर्णय लेते हैं, और भी बहुत से जो आप पर्दे के पीछे सेटिंग होती है, जो आप इशारा कर रहे हैं वो सारा, वो कहते हैं ना कत्ल की रात यस, वो इसमें बहुत कुछ बदल जाता है, हाँ, वो कत्ल की रात बाकी है, तो कत्ल की रात में वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, किसके भारी पड़ने की संभावना कत्ल की रात? देखिए हर आदमी अपना प्रयास कर रहे हैं, और कोई धन बल पे कर रहा है, कोई देखिए संपर्क पे, आप जानते हैं कि भाजपा के सामने दो बात, धन बल पे तो कोई नहीं ठहरता, ठीक कह रहा है, सेटिंग में, और वो सत्ता में भी है, हाँ। अधिकारी भी, चुनाव अधिकारी भी, सब पानी भर रहे हैं आज की तारीख में उनके सामने, ठीक कह रहे हैं आप जी, लेकिन और संदेह तो मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर भी, आरोप तो उसके ऊपर भी है। देखिए वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, हम उसके बारे में ज्यादा कहते हुए हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनकी जो भूमिका रही है वो उस पर उंगली उठती रही है। चलिए अब बात, 79 सीटों पर संदिग्धता दिखाई गई थी कि हमने कह रही हमारा वर्जन नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया में मीडिया पर जो चला, आपकी बात कि 79 सीटें चुनाव, अब हमारा चर्चा का विषय नहीं है, चलिए हमने इशारा कर दिया है कि भी उनके ऊपर संदिग्धता या उंगली उठती है, ये वो टीएन सेशन का जमाना गया जी। अब रही बात, अब बाप ने भी कहा कि ये जो कत्ल की रात, ये 2 दिन का जो समा है, इसमें क्या उथल पुथल, क्या प्लस माइनस होंगे। एक तरफ आपने भी कहा कि भी धन बल और दूसरे जो सरकारी तंत्र यंत्र मंत्र तंत्र षड्यंत्र वो सब चलेंगे, कई प्रकार के लालच, अब वो मैंने बताया ना, तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र वो सब चलेंगे। बावजूद इसके, इसमें आपने इशारा कर दिया कि वो तो भाई सत्तारूढ़ दल है, उसके पास जो आज शासन है, मजबूती है, उसका मुकाबला दूसरा नहीं कर, लेकिन इस वक्त जो फिजा है, जो हवा है, जो एक परिवर्तन की लहर है, लोगों के जहन में है, हर किसी के दिमाग में है कि कांग्रेस आ रही है। अच्छा, इसमें मैं ये जो चीज़ है ना, जो फेंस सीटर्स होता है, हमेशा हर चुनाव में 10% ऐसा होता है जो अंत में निर्णय लेता है जी, वो ये देखता है सत्ता किधर जा रही है,
तो अगर वो दूसरे फैक्टर्स जो आपने गिनवाए उनके साथ मुकाबला करें कि सत्ता का रुख किधर है, तो वो कांग्रेस के पक्ष में जाता है, तो इसलिए कांग्रेस ज्यादा खोने की स्थिति में नहीं रहे। हवा के हिसाब से तो सारा माहौल कांग्रेस के पक्ष में जाना चाहिए। अगर इस फैक्टर को हम देखें, अगर ये फैक्टर हावी होता है तो कांग्रेस के पक्ष में ही जाएगा। तो हमने आंकलन जो मोटा मोटा किया कि भाई 62 सीट 60 भी हो सकते हैं, 62 भी 58 भी हो सकते हैं, भाई 63 भी हो सकते हैं, यानी 60 सीट मान के चलिए कांग्रेस के खाते में, चलिए इस वक्त तो मोटा मोटा। और 22 सीट हमने कहा भाजपा को है, तो वो 20 भी हो सकती है, 19 पे भी आ सकती है, 25 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, इससे ऊपर नहीं, मतलब कोई 24-25 से ऊपर नहीं लगता के आज के दिन, वो नहीं लगता कि वो 24 से ऊपर, 2 दर्जन से ऊपर वो सीट लेने के स्थिति में नजर नहीं आ रहे। कल का किस भविष्य का किसको मैं ये वार्तालाप समाप्त करने से पहले, अब रह जाता है इंडिपेंडेंस, वो भी कुछ मजबूती पे आ रहे हैं। क्या होता ये है कि आखिर में मतदाता क्या निर्णय लेता है, उनमें कितना वो अपना चुनाव को ऊपर ले जाते हैं। हमने 6 सीट का बताया जी, वो बढ़कर 8-10 भी हो सकता है। अच्छा, वो 60-20-10 ये भी हो सकता है, 6 से 10 के बीच में भी जा सकते हैं। इससे तो उसमें नहीं आ रहा, उसमें किसकी घटेगी, भाजपा की या कांग्रेस? मैंने कहा ना, वो 60 पे भी आ सकते हैं, वो 20 पे भी जा सकते हैं, ये 10 पे भी जा सकते हैं, ये इस तरह का तो चलेगा। मोटा मोटा है ये आकलन, ये मोटा मोटा आकलन ये रहा जी। पर इससे अंत में मैं इसको समाप्त करते हुए इतना ही, एक सवाल और पूछूंगा, पहले आप अपनी बात पूरी करें। आपने कहा ना कि भी किसकी सरकार, ये साफ नजर आ रहा है कि बहुमत की सरकार होगी, स्थायी सरकार होगी हरियाणा में। मतलब बहुमत की, आपके आकलन के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस असेंबली नहीं बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी, स्थायी सरकार बनेगी, स्थायी जो सरकार बनेगी, और ये राज्य के लिए, हरियाणा के लिए, लोगों के लिए ये एक बहुत लाभकारी है। स्थायी सरकार होगी तो इसमें सबका भला है, इसमें सबकी जो है बेहतरी है, यानी जो लब्बो लुभाव हमने आपके साथ चर्चा, हमने सिर्फ इस बात का निचोड़ निकाला है कि स्थायी सरकार बनने जा रही है जो राज्य के हित में है, और कांग्रेस के 2/3 बहुमत से जीतने की संभावना है। हाँ, वो ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये आपने बोल, लेकिन अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक दो छोटे सवाल और आपसे करूंगा। वो ये कि जो बसपा और इनेलो का गठबंधन हुआ जी, तो इसमें बसपा को क्या मिला? बसपा को एक आधी सीट के ऊपर वो फाइट में है, सढौरा की सीट पे बसपा फाइट में है। मतलब बसपा हाँ जीती तो एक जी, क्योंकि जो गिनतियां कराई हैं आपने जी, वो तो 3 मतलब इनेलो को दिए, अब इनेलो को देने का मतलब है 3 में वो बसपा भी शामिल है, बसपा भी शामिल तो है। वो 3 आप जो अकेले इनेलो को दे रहे हैं जी, या जो चौथी बता रहे हैं सढौरा की, वो चौथी हो सकती है जी बसपा की? हाँ, हो सकती है। ये देखिए, बसपा का दिनों पर दिन जो ग्राफ गिरा, ज्यादा तो प्रभाव उत्तर प्रदेश में था, नहीं पिछले उत्तर प्रदेश में जो नतीजा नजर आया और उसका प्रभाव हरियाणा पे भी पड़ा। आज बसपा अकेले अपने दम पर हरियाणा में कोई सीट जीतने के नहीं, तो इनेलो के दम पर भी तो आप नहीं बता रहे कि वो कोई, दोनों का मिलकर मैंने गठबंधन को बताया है, बसपा और इनेलो को, उसकी 3 सीट है। हाँ, तो 4 भी हो सकती है, 5 भी जा सकती है। फिर भी चलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन से जो फायदा दिख रहा है वो इनेलो को दिख रहा है, इनेलो बड़ी पार्टी है, बसपा को नहीं दिख रहा है। इनेलो का फिर कल हलोपा भी इसके साथ शामिल है जी, देखिए हलोपा भी शामिल है, और कांग्रेस ने एक सीट जो है कम्युनिस्ट को भी दी है, के लिए भी छोड़ दी। अब अगर कहे भी कम्युनिस्ट का, भाई कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अगर कांग्रेस के सहारे पे कम्युनिस्ट को लाभ मिल जाता तो मिल सकता है। तो एक तो गठबंधन की बात आपने कह दी, लेकिन एक गठबंधन को आप भूल गए, जजपा और आजाद, ऐसे कई गठबंधन है जिनका कोई वजूद नहीं है, आप पार्टी है हाँ, आपके बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई,
जब कोई उनका कोई वजूद ही नजर नहीं आ रहा। मतलब है कि हमने बात आंकलन ये किया है कि किसको क्या सीटें जा रही हैं, जा रही चुनाव है। बहुत लोग लड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि हरियाणा में आपका भी सपाया है, जजपा का भी सपाया है और आजाद जजपा का तो ये है कि कोई एक सीट के ऊपर वो अपनी जमानत बचा ले तो बहुत है। ओहो ये बहुत बड़ी बात। पार्टी का भी सिर्फ एक ही सीट के ऊपर जमानत बचती नजर आ रही है। इसका जगाधरी इसको हम दूसरे तरीके से इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता ने सीधा सीधा मतलब कांग्रेस और भाजपा को किया और वो कोई भी रिस्क प्रदेश की जनता नहीं लेना चाहती कि दाएं बाएं वोट मतलब डालकर वो जजपा को या आ समाज पार्टी को या बसपा इन्हें लोग गठबंधन को उसने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। समाप्त करते हैं। और मुझे तो सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि आपका ग्राफ बहुत तेजी से हरियाणा में लुढ़कता दिखाई दिया है जिसकी आप पार्टी का। हाँ आपका था कहा हरियाणा में? नहीं पहले के मुकाबले में थोड़ा बहुत नहीं, था। कुछ तो हरियाणा में लग रहा कि इस बार तो उतना भी नहीं। देखिए हरियाणा में आप पार्टी का कोई ग्राफ ना तो था ना बन पाया जी, पंजाब में दिल्ली में जरूर है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो कार्यक्रम था जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की जो हमारे देश रोजाना के पत्रकार पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं या जानकार हैं या विशेषज्ञ हैं या जो सबकी राय थी उसका निचोड़ हमारे देवेंद्र सुरजेवाला जी ने बताया और उन्होंने आपके सामने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस हरियाणा में लगभग 2/3 बहुमत से जीतने जा रही है और मजबूत सरकार बनाएगी, स्थायी सरकार बनाएगी। तो ये था हमारा आज का आकलन। लेकिन दोस्तों हम फिर भी मतदाताओं का सम्मान रखते हुए ये फिर कहना चाहते हैं कि 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे, तो 8 तारीख तक तो आपको भी और हमें भी इंतजार करना पड़ेगा कि प्रदेश की जनता। गौतम साहब सभी मतदाताओं को सभी दर्शकों को अपील करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के अंदर वो सक्रिय होकर भाग लें। मैं अपने दर्शकों को भी पूरे हरियाणा के मतदाताओं को भी हम ये अपील करना चाहते हैं देश रोजाना की तरफ से भी सारे पत्रकार साथियों की तरफ से देवेंद्र सुरजेवाला की तरफ से मैं अपनी तरफ से कि कोई भी परिवार का सदस्य आलस के कारण या कोई बहाने बनाकर वोट देने से चूक ना जाए क्योंकि संविधान ने हमें ये बहुत बड़ी ताकत दी है। ये आपको समझना होगा यदि हम अपनी वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत सारी ताकतवर क्या कहते हैं तानाशाही ताकतें देश में हावी हो सकती हैं, संविधान हावी हो सकती हैं, संविधान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए आप सबका वोट डालना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सुरजेवाला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने बेहतरीन तरीके से जो प्रेजेंटेशन दिया और जो इस वक्त चल रहा है हमने इधर उधर से सभी साथियों से सलाह मशविरा करके ये सारा आपके सम्मुख रखा है। बहरहाल हम चाहेंगे कि भाई ये आपका आकलन जमीनी कितना सही कितना ये तो मतदाताओं के ऊपर निर्भर है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।